कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामला, संजय रॉय के दांतों के निशान जो सबूत के तौर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं, प्रेसिडेंसी सुधार गृह में एकत्र किए गए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने गुरुवार को राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय के दांतों के निशान एकत्र किए। एक अधिकारी ने कहा कि मामले में सबूत के तौर पर अहम भूमिका निभा सकने वाले संजय रॉय के दांतों के निशान यहां प्रेसिडेंसी सुधार गृह में केंद्रीय एजेंसी के जासूसों द्वारा पूछताछ सत्र के दौरान एकत्र किए गए थे। महिला के शरीर पर काटने के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका उल्लेख किया गया है। हमारा विचार आरोपी के दांतों के निशान से उनका मिलान करना है, पीटीआई ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया। कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में अब तक गिरफ्तार होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद घटना की जांच कर रही है। बुधवार को सीबीआई अधिकारियों ने गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय से एक और दौर की पूछताछ की। पूछताछ प्रेसिडेंसी सुधार गृह में की गई। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी की एक अन्य टीम ने सुबह 4 जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ की और बाद में कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर उत्तर अभिषेक गुप्ता और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट डीडी स्पेशल के डिप्टी कमिश्नर विदित राज भुंडेस से उसी जांच के हिस्से के रूप में पूछताछ की गई। एक अधिकारी ने कहा, हमने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की कि उन्होंने जांच कैसे की। ये मामला 9 अगस्त को सामने आया जब महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आरजीकेएमएसीएच के एक सेमिनार हॉल में मिला। अगले दिन अपराध के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और आरजी कर बलात्कार हत्या मामले पर गतिरोध को हल करने के लिए जूनियर डॉक्टरों के बातचीत के लिए आने से इनकार करने पर खेद व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी डॉक्टरों के बैठक में आने का करीब 2 घंटे तक इंतजार किया। उन्होंने कहा कि वह भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने गतिरोध जारी रहने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने पिछले 33 दिनों में बहुत सी झूठी बातें और अपमान सहा है, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि काम पर न लौटकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करने के बावजूद वह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी। नाटकीय घटनाक्रम में राज्य सचिवालय नभाना के गेट पर पहुंचे आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पूरी होने तक राज्य सरकार से बातचीत करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग के अनुसार बनर्जी की मौजूदगी में शाम 5 बजे बातचीत होनी थी। शाम 5:25 पर सचिवालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम स्थल के गेट पर ही डटे रहे। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।